आज मैं आपके लिए चना मसाला की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी लाई हूँ, जिसे कुकर में बना सकते हैं। एक ही स्टेप में बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन अगर बनती आपने है। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही वहीं पर दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि मेरे सारे रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता, 2 छोटी हरी इलायची और 2 लौंग। इसमें हम डालेंगे अब 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। दो मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को सौटे कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे पकने के लिए प्याज को अच्छे से सुनहरे भूरे होने तक पकाएंगे। हम प्याज को सुनहरे भूरे होने में कम से कम 5 से 8 मिनट लगेंगे, तो धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दें। 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और हल्के भूरे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च। आप लाल मिर्च जितना तीखा कम तीखा के हिसाब से जैसा लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना मसाला, 1 चम्मच चना मसाला डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करिए। इस मसाले को हमें अच्छे से पकाना है। जब तक पके हुए मसाले की खुशबू में आ जाए आप इसे हिलाइए। वैसे ज़्यादा देर लगेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगी। मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी टमाटर प्यूरे। 1 कटोरी टमाटर प्यूरे बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारे टमाटर को अच्छे से पकाना है तो उसके लिए हम इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर छोड़ देंगे। टमाटर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं, देखें चारों तरफ तेल निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हम डालेंगे पुदीना पत्ता। इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे चने जो हमने भिगो के रखे थे, ओवरनाइट भिगो के रखे हैं या फिर 5 से 6 घंटे तक भिगो के रखने से भी होता है। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करें। चने मिक्स करने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से चने को पकड़ ले। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे इसको पकाने के लिए। हल्का सा तरी चाहिए तो आप इसमें कम से कम डालिए 1 ग्लास पानी। इसे मिक्स कर दें। स्वाद के अनुसार अगर थोड़ा सा नमक चाहिए तो और डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब देखिए आप पानी की क्वांटिटी मैंने कितनी रखी है, कम से कम 1 या 1.25 ग्लास पानी डाला है इसके उबलने के लिए। अब आप ये भी मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर आपको ड्राई चाहिए तो थोड़ा सा पानी कम कर सकते हैं, और अगर आपको हल्की सी तरी चाहिए तो कम से कम 1 से 1.25 ग्लास पानी आपको डालना पड़ेगा। अब हम इसे बंद करेंगे और कम से कम 3 से 4 विसिल लगाएंगे। मध्यम आंच पे हम इसको 3 से 4 विसिल लगा देंगे। चना मसाला हमारा तैयार हो गया है। देखिए इसमें पानी बहुत कम है, मैंने थोड़ा सेमी ग्रेवी जैसा बनाया है। आप जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा डालें,